तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके सामने सीलिंग फ़ैन का कनेक्शन आपको सामने वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको सभी सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, कनेक्शन करके बताऊंगा। और सीलिंग फ़ैन कनेक्शन करते वक्त आप किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखें ताकि आपका पंखा जले ना, तो पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको इस चीज़ से कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज़ आपकी इससे फ़ायदा होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साज ब्रजवी और आप देख रहे हैं RS इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, मेरा सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। ये मेरा दोनों पॉइंट रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ से मेरा कॉइल शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि जब सीलिंग फैन वाइंडिंग करते हैं तो फर्स्ट कॉइल और लास्ट कॉइल के बीच में जो हमारा ये फर्स्ट कॉइल हो गया, जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से शुरू होता है भरने और यहाँ से होते हुए ऐसे, और ये लास्ट कॉइल है। यहाँ पे फर्स्ट कॉइल और ये लास्ट कॉइल, इसी के बीच में हमें एक पेपर लगाना होगा। जो प्लास्टिक का आप लगाइए चाहे वो कागज़ का जो आता है, ऐसे ही ऊपर वाला देखिए। यहाँ से ये मेरा कॉइल, ये सिरा देख सकते हैं, ये मेरा अंदर का ये पहला कॉइल हो गया। यहाँ से मेरा कॉइल शुरू होगा, यहाँ से भरते हुए और ये लास्ट कॉइल, यानी ये मेरा लास्ट, ये पहला कॉइल, ये लास्ट, इसी के बीच में मेरा कागज़ का पेपर, आप बेटर है कि कागज़ वाला जो सीट होता है कुछ इस प्रकार से आपको लगा देना है। इसको ध्यान से देखिए, ये मेरा पहला कॉइल हो गया, ये पहला कॉइल और ये लास्ट कॉइल, इसी के बीच में मेरा ये। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो कुछ दिन में आपका पंखा शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कनेक्शन कैसे करें आपको। ये मेरा चार वायर हो गया, इसमें हमें ये एक नंबर, ये स्लिप, हम लोग इसको स्लिप बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते होंगे। तो ये आपको आधा टुकड़ा करके और आपको इस प्रकार से आपको लगा देना है, कुछ इस तरह से। यदि दोस्तों अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आपको दोस्तों अगर आपको 12+12 और 14+14 का अगर आल 10 mm से 20 mm तक अगर कॉपर का डेटा आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप 12+12 और 14+14 दोनों का 10 mm से 20 mm तक पूरा कॉपर का डेटा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको चार वायर लेना है, दो ब्लैक कलर के और दो रेड कलर के। ब्लैक हमारा स्टार्टिंग हो गया और रेड हमारा रनिंग हो गया। इसको हम इसमें भी जोड़ेंगे स्टार्टिंग वाले कॉइल में, यानी अंदर। और जो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से वायर्स को, जो ब्लैक वायर्स हैं मेरा लीड का, वो कुछ इस प्रकार से आपको छील के और ऐसे आपको बना लेने। उसके बाद जो हमारा अंदर स्टार्टिंग कॉइल का जो लीड कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से पकड़ना है और इस प्रकार से आपको इसको जोड़ दें। आपको यदि आप दोस्तों किसी प्रकार से जोड़ते हैं, लेकिन आपका ये ध्यान रखें इसमें कि जोड़ करते वक्त आप ये अच्छे से इसमें जॉइंट होना चाहिए, बाकी जो वायर आपका बचता है वो आप इसको इसके ऊपर से इस प्रकार से आपको लपेट देना है। दोस्तों, हमने अंदर जो कॉइल बनाई स्टार्टिंग कॉइल पे हमने ब्लैक वायर लगाया है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है कि हमें दूसरा भी कॉइल ले लेना है और इसी प्रकार से आपको इसको जोड़ लेना है और बचा हुआ वायर आपको इसी के ऊपर लपेट देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आती है, यदि आपको इससे कोई नॉलेज मिलती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब दोस्तों स्टार्टिंग हो गया, अब रनिंग की बारी आई। अब रनिंग में हम ये जो दो रेड वायर हैं इसका कनेक्शन हम करेंगे। जो मेरा ये ऊपर का जो ये कॉइल है इसको हम रनिंग में हम रेड वायर जोड़ेंगे। तो आपको कुछ इसी प्रकार से जिस तरह से आपने ब्लैक वायर स्टार्टिंग में आपने जोड़ा था, वैसे ही आपको रनिंग में ये रेड वायर इस प्रकार से आपको जोड़ देना है।
और जोड़ने के बाद आपको बचा हुआ वायर आप ऊपर लपेट दें। तो ध्यान रहे इसमें जो पहले और लास्ट के बीच में जो हमने कागज़ का जो पेपर लगाया है पहले और आखिरी कॉइल के बीच में, वो इसमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर इसको आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये कुछ दिन में आपका ये फॉल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको खूब अच्छे से जोड़ना है ताकि आपका कनेक्शन निकलने ना पाए। तो इसी प्रकार से आपको चारों वायरों को जोड़ लेने, यानी दो वायर स्टार्टिंग में ब्लैक वायर और दो वायर रनिंग में रेड वायर। और दोस्तों इसको जोड़ने के बाद इस पर हम स्लिप पाइप का टुकड़ा यानी स्लिप लगाएंगे, दो नंबर स्लिप। तो चलिए दोस्तों अब इस पर ऊपर हम स्लिप लगाते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन बांध के हम आपको दिखाते हैं। तो आपको ये दो नंबर आपको स्लिप ले लेना है कुछ इस प्रकार से, और चार टुकड़े ले लेना है, और चारों आपको दो स्टार्टिंग पे और दो रनिंग पे लगा देने हैं। कुछ इस तरह से लगाने हैं आपको, नीचे तक आप ये स्लिप इसको लगा दें। दोस्तों आगे एक वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, उस वीडियो में आपको चार कनेक्शन कैपेसिटर लगा के किस तरह से फ़ैन को चलाते हैं, यदि अगर उल्टा चलता है वो तो कनेक्शन कैसे सीधा करें, उसकी वीडियो में एक दो दिन में आपको वीडियो आपको बना के दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से आपको ये दो नंबर स्लिप आपको लगा लेना है, उसके बाद इसको वायर्स को इकट्ठा कर लेना है, और जो सुराख होता है यहाँ से वायर ऊपर आता है उस सुराख के सामने आपको रख के, और एक आपकी कागज़ वाला पेपर जो होता है उसको इस तरह से आपको बना के, और आपको इसको धागे से ये कॉइल के सामने रख के आप इसको धागे से इसको आपको अच्छी तरीके से आपको बांध देना है। कुछ इस प्रकार से आपको एक सुई बना लेनी है, 25 या 24 नंबर वायर्स की सुई बना लेनी है, उस पर कुछ इस तरह से आपको इसमें डाल के और बांध देना है। दोस्तों अगर इसमें आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर आपको 12+12 में एलुमिनियम वाइंडिंग नेटा चाहिए, और अगर आपको 10 mm से 20 mm तक 12+12 का कॉपर में वाइंडिंग नेटा चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका डेटा देख सकते हैं। और 16+16 का भी आपको वाइंडिंग डेटा कॉपर में आपको मिल जाएगा, वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से आपको टाइट बांध देना है, और बांधने के बाद आपको धागे को कट कर देना है, और कट करने के बाद आपको जो चारों वायर्स हैं वो आपको सीधा आपको ऊपर निकाल लेना है। कुछ इस तरह से आपको ये वायर्स एक डालना है सुराख के अंदर, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से करके और इसको निकाल देना है। यदि दोस्तों अगर आप इसमें कोई चीज़ ना जान पाए, आप कोई चीज़ मिस कर जाए, तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा कनेक्शन कम्प्लीटली पूरा हो गया है, कि जैसा कि देख सकते हैं आप मेरा कनेक्शन हो गया है, और जिस जिन बातों का मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसका आपको इसमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें 12+12 का एलुमिनियम वाइंडिंग नेट चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको 12+12 का आप कॉपर में आपको अगर डेटा चाहिए 10 mm से 20 mm तक अगर आपको डेटा चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो उसकी देख सकते हैं। और अगर आपको 16+16 का भी आपको वाइंडिंग डेटा चाहिए तो उसकी भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसकी वीडियो देख सकते हो। यदि दोस्तों अगर इसमें आप कोई चीज़ समझ में ना आए पाई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।